कैसे हैं आप? आज हम देखने वाले हैं कि आप घर पे बैठ के फॉर्म ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। उसके लिए तो इससे पहले कि आपने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन पैन कार्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप आपको 49 फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी इंडिविजुअली डालना है और यहाँ पर आपको अपना टाइटल डाल देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अपना नेम डाल देना है, सरनेम डालना है। यहाँ पे आपको अपना सरनेम डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। 66 66 71। यहाँ पे सबमिट पे इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कैप्चर कोड डाल देना है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे दिया गया है वो कैप्चर कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे फ्रेंड्स। सबमिट करने पर कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करना चाहते हैं। तो हम डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ई सिग्नेचर आधार कार्ड के थ्रू पेपरलेस करेंगे। तो इस पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस आपसे पूछेगा ये फीस एप्लीकेशन फिजिकली पैन कार्ड रिक्वायर्ड है। हाँ, यस रिक्वायर्ड है। तो इसमें फीस आपकी एप्लीकेबल रहने वाली है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट डालने हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है आप फोटो बदलना चाहते हैं या जो पैन कार्ड में प्रिंट है वही रखना चाहते हैं। तो जो पैन कार्ड में हम वही रखना चाहेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट आपको जाना है। आपको नाम चेंज नहीं करना है तो इसमें यस नहीं करना, नो रख लेना है। यहाँ पे इसको भी नो रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपसे पूछा गया फादर का सरनेम, फादर का नाम डालना है। तो फादर पहले सरनेम डालेंगे, उसके नाम फिर फर्स्ट नेम डालेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आप पैन कार्ड पे जो प्रिंटेड रखना चाहते हैं मदर का नेम रखना चाहते हैं या फादर का। तो हम फादर का रखना चाहेंगे, फादर पे ऑटोमेटिक आया हुआ है वो फादर नेम रख देंगे और इस पे नेक्स्ट कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आप पूछ रहे हैं सैलरीड है या इनकम प्रूफ, नो इनकम है या, तो हम नो इनकम बनाने वाले हैं। नो इनकम सैलरीड डालेंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल डालना पड़ेगा। तो हम नो इनकम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके बाद ये आपसे टेलीफोन नंबर अपना कंट्री कोड पूछता है। यहाँ पे आपको कंट्री 91 हमारा कंट्री कोड है, अपना कंट्री कोड डाल देना है फ्रेंड्स। ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ ही रहा है यहाँ पे और फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे एरिया नंबर, एओ नंबर और रेंज टाइप पूछता है। तो ये आपको डाल देना है फ्रेंड्स, LKN W7102 LKN W7102 LKN W7102। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है फ्रेंड। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछता है डिक्लेरेशन के लिए। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में यस से हिमसेल्फ कर देना है और यहाँ पे आपको अपना पैलेस डाल देना है फ्रेंड्स। संभाल क्या तुम्हारा जिला है, पहले संभल जिला है। डाल देना है और सबमिट कर देना है फ्रेंड्स। सबमिट करने के बाद आधार कार्ड के आपको आगे के 8 डिजिट मांगेगा। आगे के 8 डिजिट इसमें डाल देना है और यहाँ पे आप डिटेल चेक कर लेनी है। पूरी केयरफुली डिटेल चेक करने के बाद फ्रेंड्स नीचे जाएंगे। सीधा नीचे जाने के बाद आपको प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस करने के बाद ये पेमेंट ऑप्शन पूछता है कि पेमेंट आप किसके थ्रू करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिलडेस्क के थ्रू या पेटीएम के थ्रू करना चाहते हैं फ्रेंड। तो ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिलडेस्क या पेटीएम किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। तो मैं करने वाला हूँ पेटीएम के थ्रू, तो पेटीएम सेलेक्ट करने वाला हूँ। आई एग्री। प्रोसेस टू पेमेंट करने वाला हूँ फ्रेंड्स। प्रोसेस टू पेमेंट करने के बाद यहाँ पे जनरेट हो जाएगा आपका कन्फर्मेशन पेमेंट पे। पे कंफर्मेशन पे क्लिक कर देना, क्यूआर जनरेट हो जाएगा। क्यूआर पे क्लिक करके आपको पेमेंट पे कर देना है फ्रेंड्स। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे प्रोसेसिंग आपका आगे हो जाएगा। उसके बाद
आपका प्रोसेसिंग आगे हो जाएगा, ट्राई अगेन सम टाइम दोबारा से लॉगिन करने के लिए बोलेगा आपको, दोबारा से लॉगिन करने के लिए बोलता है, तो आपको दोबारा से लॉगिन कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ आपको टोकन नंबर डालना है, यहाँ आपको अपना टोकन नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे फ्रेंड्स। सबमिट करने के बाद आपके ये डिटेल आ जाएगा, इनको अब आपको वेरीफाई करना होगा आधार कार्ड के साथ। तो कंटिन्यू ऑथराइज करेंगे, पहले ऑथराइज पे क्लिक कर लेंगे, ऑथराइज पे क्लिक कंटिन्यू विद ईकेवाईसी करना है, ओटीपी जनरेट करना है, मोबाइल पे आपके ओटीपी आएगा, यहाँ ओटीपी सबमिट करना है, ओटीपी डाल देना है, ओटीपी डाल के आपको सबमिट कर देना है फ्रेंड्स। सबमिट होने के बाद आपके विंडो खुल जाएगी, और विंडो खुलने के बाद आपको कंटिन्यू विद ई सिग्नेचर में क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ता है, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना पड़ता है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सेंड करेंगे आपका सेंड हो जाएगा फ्रेंड्स। सेंड होने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी पिंग, तो यहाँ आपको अपना ओटीपी सबमिट कर देना है, ओटीपी वेरीफाई ओटीपी डालना है, ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा सबमिट, और आपको एक पीडीएफ ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के पीडीएफ ओपन कर देना है। आपका पैन कार्ड हो गया है सबमिट, एप्लीकेशन आपका पैन कार्ड का एप्लीकेशन सबमिट हो गया है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। ऐसे ही आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट, और फॉर्म